अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कब्ज़े लगाने का तरीका, ये मैं आपको कब्ज़े लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ये ऊपर से रखना, आपने पैमाइश लेनी है और बॉटम से आपने 12 इंच पर निशान लगाना है। ये आपने 12 इंच पर निशान लगा दिया, ऊपर से आपने 3 इंच रख लेना है या 3-4 इंच रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर इन दोनों जो आपने निशान लगाए हैं उन दोनों का सेंटर करके निशान लगा लें, और निशान लगाने के बाद आप फिर जो है जो आपने वर्नियर की मदद से कॉलर की गहराई मापनी है। गहराई मापने के बाद आप इस तरह से आपने गहराई लेनी है, आप बिल्कुल ये हल्की सी की जो कॉलर है बिल्कुल आपकी कितनी आएगी यहाँ तक जो है, बिल्कुल आपने जितनी भी आए उससे 1 मिली ज़्यादा रखना है। आपकी कॉलर 3 मिली आए, 4 मिली आए, 15 आए, 16। कब्ज़ों का निशान आप डाउन लगा लिए हैं, उसकी हमने गुनिये की मदद से सीधा कर लिया है, स्ट्रेट कर लिए हैं, और हमने बकायदा ये निशान लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं कब्ज़ों के हमने निशान लगा लिए हैं। ये बकायदा आप कब्ज़ा है, NC का कब्ज़ा है, बहुत ही प्यारा कब्ज़ा है, जो बहुत ही शाइनिंग वाला कब्ज़ा है, जो आप बकायदा इसकी शाइनिंग भी देख सकते हैं। ये बकायदा हमने निशान लगाए हुए हैं जी। हम इस पल्ले में 3 कब्ज़े लगा रहे हैं, आप बेशक 4 लगा सकते हैं। ये मैं आपको पल्ले की तैयारी का तरीका बता रहा हूँ आपको। हमारे सामने ये पल्ला पड़ा हुआ है जिस पर हमने मार्क किया हुआ है निशान। ये हमारे पास NC के कब्ज़े हैं जो बकायदा तौर पे आप देख सकते हैं तैयार शुदा होते हैं अच्छे तरीके से। ये इनकी शाइनिंग भी देख सकते हैं, इनकी जी। मैं आपको पल्ले का ये तैयारी कब्ज़े की तैयारी बता रहा हूँ, कैसे आपने कब्ज़ा लगाना है। और जो आपने वर्नियर से जो निशान लिया था आपने बाहर किनारे से वो निशान लगा लेना है। आप बकायदे ये देख सकते हैं लकीर लगी हुई है, जो निशान लगा हुआ है उसके ऊपर आपने 1 मिली से अंदर रख के ड्रिल चलानी है। फिर आपने वो साइज पूरा कर लेना है, फिर आपने कब्ज़ा रखना है, कब्ज़ा रख के चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आप रेती लगाएं, रेती लगाने के बाद आप साइज़ उसका मुकम्मल करें बकायदा तौर पे अच्छे तरीके से। फिर आप कब्ज़ा रखें और ये फिर आप क्या कहते हैं रिपट की मदद से, रिपट और रिपटर की मदद से कब्ज़े को फिक्स कर दें। आप बेशक पेंच भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम रिपटा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा मजबूती होती है। पेंच लूज़ हो जाता है बाज़ औक़ात, पल्ला नीचे आ जाता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। यहाँ आप बकायदा देख सकते हैं हमने 3 कब्ज़े लगा लिए हैं ईज़िली। आप बकायदा देख सकते हैं हमारी इन पिक्चरों में भी देख सकते हैं आप बकायदा इजीली आसानी हमने ये कब्ज़े लगा लिए हैं, तैयार कर लिए हैं पल्ले। आप बकायदा इसमें भी देख सकते हैं जी। एल्युमिनियम और ग्लास का काम सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।